मनाया जाएगा विजयादशमी, और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उस पर भी विशेष बल दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोग घर से ही देवी माँ का दर्शन करें, भगवती का दर्शन करें, पूजा पाठ घर पे ही करें। और इस कोविड को देखते हुए, महामारी को देखते हुए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं दुर्गा माँ का, इस बार हम लोग को थोड़ा अगर बच जाएंगे तो अगला बार हम लोग फिर माँ से अच्छा से पूजा करेंगे, यही हमारी आराधना और कामना यही है। साल 2021 का दुर्गा पूजा रांची में कैसा होगा? भव्य पंडाल और आकर्षण प्रतिमाओं के दर्शन होंगे या नहीं? दुर्गा पूजा के बाजार में कैसी रौनक रहेगी? इसका इंतजार तो सभी को है, लेकिन ये भी तय है कि दुर्गा पूजा के आयोजन में सरकार द्वारा तय कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होगा। दुर्गा पूजा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रांची जिला प्रशासन और दुर्गा पूजा शांति समितियों की एक आवश्यक बैठक रखी गई। इसमें दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर हर एक बिंदुओं पर चर्चा हुई। दुर्गा पूजा के दौरान जरूरी दिशा निर्देशों की जानकारी जिला प्रशासन की ओर से दी गई। हम लोगों को आश्वस्त किया है कि इस बार भी सभी पूजा समिति जो है, जो सरकार की जो गाइडलाइन है दुर्गा पूजा को लेकर, उसका वो लोग अक्षरशः से पालन करेंगे और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से नियमानुसार ही जो है इसका मनाया जाएगा विजयादशमी। और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उस पर भी विशेष बल दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोग घर से ही देवी माँ का दर्शन करें, भगवती का दर्शन करें, पूजा पाठ घर पे ही करें, यही उम्मीद है इन्होंने आज आश्वस्त किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि रांची जिला प्रशासन को, सभी निवासियों और सभी वासियों का हम लोगों को सहयोग मिलेगा। हम सरकार का गाइडलाइन का पूरा अक्षर पालन हम लोग कर रहे हैं, और इस वर्ष हम लोग जो है ना पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग कोविड को पूरा मानते हुए और सरकार का गाइडलाइन को समर्थन करते हुए हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, और जिला प्रशासन का कंधे से कंधा मिला के, और जितने हमारे 301 समितियां हैं वो सबको हम लोग पालन कराने में हम लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे संयोजक, हमारे तमाम लोग, ग्रामीण दुर्गा पूजा समिति भी साथ में है। और इस कोविड को देखते हुए, महामारी को देखते हुए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं दुर्गा माँ का कि इस बार हम लोग को थोड़ा अगर बच जाएंगे तो अगला बार हम लोग फिर माँ से अच्छा से पूजा करेंगे, यही हमारी आराधना और कामना यही है। दुर्गा पूजा आयोजन समिति पिछले साल भी दुर्गा पूजा का आयोजन के लिए कोविड गाइडलाइन जारी किए गए थे, तब भी दुर्गा पूजा आयोजनकर्ताओं के द्वारा आंशिक विरोध किया गया था, लेकिन यह सबने देखा कि त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में आई और इसका प्रभाव रांची में भी देखने को मिला। लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और हजारों की जान भी चली गई। अभी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना है। इस आशंका को देखते हुए सरकार की ओर से जरूरी तैयारियां की जा रही है। ऐसे में ये भी जरूरी है कि दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, ताकि कोरोना के तीसरी लहर के खतरे को रोका जा सके।